वेरी सैड। अब दोनों साथ में नहीं जाने वाले, तो उन्होंने क्या कर लिया, डिसाइड किया था
रिया और रिया भी दोनों बहुत खुश थे कि ये हम लोग साथ में ट्रेन में जाएंगे, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया था उनका प्लानिंग। एज दे हैड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि हम रास्ते में ये करेंगे, हम रास्ते में ये बातें करेंगे, रास्ते में ये चीज़ें देखेंगे, वो सब अब नहीं हो सकता था, इसलिए वो दोनों बहुत सैड थे। ड्यू टू जिया'स कैंसिलेशन रिया फेल्ट वेरी सैड, क्योंकि अब जिया नहीं जाने वाले थे इसलिए रिया बहुत सैड थी। जिया सेड आई हैड एन आइडिया, जिया को एक आइडिया आ गया, क्या सी टोल्ड रिया डोंट बी अपसेट, यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल। तो क्या करना है, सब कुछ एक डायरी में लिख देना और अपने मोबाइल में जहाँ जहाँ तुम जो घूमने जाती हो या जो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके फोटोज और वीडियोज वगैरह अपने मोबाइल में ले लेना। आप भी अगर कहीं घूमने जाते हो तो आप भी वहाँ पर फोटोज वगैरह खींच के आते हो ना, फोटोज खींचते हो, वीडियोज वगैरह उतारते हो। वैसे ही जिया ने भी रिया से बोला कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ तो क्या हुआ, तुम जाओ और रास्ते में तुम्हें जो अच्छा लगे या फिर वहाँ के बारे में जो मिले वो एक डायरी में नोट डाउन कर लेना और फोटोज और वीडियोज वगैरह अपने मोबाइल में ले लेना, जिससे तुम वापस आओगे तो मैं वो देख सकती हूँ। रिया वेंट टू हर होम, शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इन हर बैग। रिया फिर अपने घर जाती है और उसने एक नोटबुक ली और पेन और क्या किया, अपने बैग में डाल दिया ताकि वो उसमें नोट डाउन कर सके अपनी जर्नी के बारे में, अपने ट्रेवलिंग के बारे में। ओके, नाउ टू क्वेश्चंस आर देयर इन एंड पेन, इन व्हिच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड, आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रेवल किया। तो आपने बहुत सारे व्हीकल्स में ट्रेवल किया होगा है ना, कौन कौन से हो सकते हैं, बस है, ट्रेन है, ऑटो रिक्शा, फिर साइकिल, स्कूटर, बाइक एक्सेट्रा, मैं आप लोग ट्रेवल करते ही होंगे है ना, तो उनके नाम सबको यहाँ पे लिखने हैं। सो लेट्स राइट द आंसर, आई हैव ट्रेवल्ड of traveling. Traveling is
आप देख रहे होंगे कि ऑन द लेफ्ट साइड एक डेट दी हुई है 28 मई जो है वो क्या है, वो डेट है जिस दिन रिया के फैमिली ने उनका ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, जिस दिन वो ट्रेन में बैठ के जाने वाले थे। और फिर उसके पास एक क्लॉक भी है, क्लॉक के नीचे लिखा है 20 आवर्स एंड 55 मिनट्स। मीन्स हमें ये टाइम दिया हुआ है जिस टाइम पे उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की। ओके, और कौन सा टाइम है, 8:55 मिनट्स। ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसलिए ये रात का टाइम है। रात के 8:55 मिनट्स पे उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की। ओके, यहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया है। टुडे इज अ फुल मून डे, आज एक फुल मून डे है। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। उन्होंने क्या किया, अपना डिनर ले लिया और उसके बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा की, इसलिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए। आपको भी अगर रेलवे स्टेशन जाना होता है, बस स्टैंड जाना होता है, तो आप एक रिक्शा करते हो, आपके पास अपना ओन व्हीकल है, पर्सनल व्हीकल है, तो उस पर बैठ के जाते हो। देखिए उनके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑटो रिक्शा की और ऑटो रिक्शा में बैठ के वो कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन। कौन से गांधीधाम के रेलवे स्टेशन, गांधीधाम कहाँ पे है, गांधीधाम है कच्छ में। After some time the train arrived at the station, और वो लोग स्टेशन पे तो पहुंच गए। उसके थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है कि ट्रेन स्टेशन पे आती है। We saw some passengers were sitting in the train, हमने देखा कि कुछ पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेन में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे होंगे वो लोग, वो लोग इसलिए बैठे थे जो ट्रेन थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, वो स्टार्ट हो रही थी भुज से। जो पैसेंजर्स भुज से बैठे हुए थे वो ये क्या बोलते हैं गांधीधाम स्टेशन पे उनको दिखे। ट्रेन है डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज। जो ट्रेन है वो कितने बजे, 7:50 PM भुज से निकली थी। कौन सा स्टेशन से डिपार्टेड हुई थी, भुज स्टेशन से ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई थी। कितने बजे, तो 7:50 PM। और गांधीधाम रेलवे स्टेशन पे वो कब पहुंची, 8:55 PM पे वो गांधीधाम पहुंचती है। ओके, और 7:50 PM पे वो भुज से निकली थी ट्रेन। अब उसे गांधीधाम पहुंचते पहुंचते ट्रेन को कितना टाइम लगा, 8:55 PM तक वो वहां पे पहुंच गए। अराउंड 1 आवर लगता है ट्रेन को भुज से गांधीधाम पहुंचने। द नेम ऑफ अवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। जो ट्रेन का नाम था वो क्या था, द कच्छ एक्सप्रेस। When we went near the coach, there was so many commotion from a single door. जब वो कोच तक पहुंचते हैं, कोच मतलब क्या होता है, कोच मीन्स जो ट्रेन होती है उसके जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, जो डब्बे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। एक एक बॉक्स, एक एक डब्बे को क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। जो ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कोच बोला जाता है। देयर वर सो मेनी कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर। जो उनका कोच था, जिस डब्बे में उनको चढ़ना था कोच में, वहां पे एक ही दरवाजे से बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा कमोशन था। क्यों, पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इनसाइड। क्या होता था कि जो ट्रेन आगे गांधीधाम स्टेशन पे रुकती है, तो जिन लोगों को गांधीधाम स्टेशन पे उतरना था वो भी उसी दरवाजे से चढ़ रहे थे, और जिन्हें ट्रेन में जाना था आगे ट्रेवल करने के लिए वो भी चढ़ रहे थे। कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग चढ़ रहे थे, दोनों एक ही साथ, कोई भी किसी के लिए वेट नहीं कर रहा था कि ठीक है वो उतर जाए उसके बाद हम चढ़ते हैं, नहीं, सब दम की करके चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। फादर फेल्ट समवन पुशिंग। उसके पापा को क्या फील हुआ कि कोई उसे धक्का दे रहा है। सो ही सेड, उन्होंने बोला, ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 to 20 मिनट्स, सो डोंट बी इन हरी। उसके पापा को किसी ने धक्का दिया चढ़ने के लिए, तो उसके फादर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेन 15 से 20 मिनट तक रुके, तो बिल्कुल भी जल्दी मत करो। We somehow
मैनेज टू गेट इन, फाउंड अवर सीट्स एंड केप्ट अवर लगेज इन प्रॉपर प्लेस। उन्होंने अब वो ट्रेन में पहुंच चुके हैं, ट्रेन के अंदर चल चुके हैं। उन्होंने क्या किया, अपने सीट्स देखे। जब आप रिजर्वेशन करवाते हो ट्रेन में टिकट में या फिर बस में भी, तो उस पर आपको जो सीट होते हैं उसके नंबर्स लिखे होते हैं, तो वैसे ही इनकी टिकट में भी सीट नंबर लिखा हुआ है। अगर आप ट्रेन में गए होंगे तो देखा होगा कि वहाँ पे सीट में सीट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो उन्होंने अपना नंबर मैच करके जिस जो सीट उनकी थी वहाँ पर बैठ गए और कैप्ट अवर लगेज, कहाँ पर रखा लगेज, तो सीट के नीचे आपने देखा होगा कि जगह होती है, तो वहाँ पे सब लोग अपना लगेज रखते हैं, तो उन्होंने भी अपना लगेज वहाँ पे रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, और तब तक ट्रेन स्टार्ट भी हो गई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी सीट्स ढूंढ के बैठ गए थे। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट, उसके मम्मी और कौन रिया, उनको कौन सी सीट मिली थी, विंडो सीट टिकट के हिसाब से। फादर एंड हिमांस गॉट द मिडल सीट, और जो फादर और हिमांस, हिमांस कौन था, हिमांस रिया का ब्रदर था, उनको कौन सी सीट मिली थी, मिडल सीट। ओके, देयर वाज अनदर फैमिली विद अस, और ट्रेन में उनके साथ एक और फैमिली भी ट्रैवल कर रही थी। They seem to board the train from the previous station. और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जो पहले वाला स्टेशन, इसके पहले कौन से स्टेशन के पहले, गांधीधाम स्टेशन के पहले जो स्टेशन आया था वहां से वो लोग शायद बैठे थे। They had two children of our age with them. उनके साथ दो बच्चे थे, और ऐसा लग रहा था उनको देख के वो भी रिया के एज के लिए, रिया के जितने ही है। They got two upper seats and two lower seats. और उनको कौन सी सीट मिली थी, दो ऊपर की सीट और दो नीचे की सीट। ओके, नाउ के पेज नंबर 43। After some time, the ticket collector came and checked our ticket to see if we were in our proper seats. कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि टिकट कलेक्टर आता है। टिकट कलेक्टर किसे बोलते हैं, टिकट कलेक्टर हम उसे बोलते हैं जो ट्रेन में या फिर बस में आता है और आपकी टिकट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, क्या प्रॉपर सीट पे बैठे हुए हैं नहीं, वो मैच करते हैं, टिकट मांगते हैं और उसमें देखते हैं कि आपकी टिकट में जो सीट थी वही सीट है या नहीं, आपके पास प्रॉपर टिकट है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं कि पुराने टिकट लेके आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो उनके ऊपर फाइन डालते हैं, उनको चार्ज भरने होते हैं, जो उनका अमाउंट होता है उतने चार्ज उनको भरने पड़ते हैं। ये सब काम किसका होता है, टिकट कलेक्टर का। टिकट कलेक्टर आपने देखा होगा कि ब्लैक कोट और व्हाइट यूनिफॉर्म में होते हैं और उन्होंने एक ऊपर कैप पहनी होती है। ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर देयर, व्हाई डिड रिया'स फादर हैज said to get in the train quickly. Riya के father ने train में चढ़ने के लिए, चुपचाप चढ़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो train थी वो station पे कितना maximum 15 से 20 minutes ही रुकने वाली थी, और सब लोग इतने रश में थे, सब लोग इतने जल्दी में थे, कोई भी किसी के लिए वेट नहीं कर रहा था कि ठीक है वो उतर जाए फिर हम चढ़ जाते, नहीं, सब लोग धक्का मुक्की करके चढ़ रहे थे, अपना सामान अंदर डाल रहे थे। फादर ने भी बोला कि जल्दी सब चढ़ जाओ और अपनी सीट में बैठ जाओ। ओके, फिर एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी, आप अपनी जर्नी के टाइम पे टिकट कलेक्टर को, टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टिकट चेकर ने कैसा यूनिफॉर्म पहना होता है, व्हाइट ब्लैक कलर का उसका कोट होता है और व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट पहना होता है और उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की उनकी कैप होती है। ओके,
कॉल मेन्स कुत्ती एट दिस स्टेशन फॉर 15 to 20 मिनट्स. कितने देर के लिए रुकने वाली थी? 15 से 20 मिनट तक की. वो वहां पे उस स्टेशन पे रुकती थी. कौन सा स्टेशन पे? तो गांधीधाम स्टेशन पे. ओके, सो प्रियास फादर एडवाइज हिम session. Okay, bye.